आर्मी का कोई ग्रुप जा रहा लगता है राइट पे। कैंप का जुगाड़ हम लोगों ने यहाँ कर दिया है फिलहाल। ये बंजी पूरा टूट गया। तो कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा मजा सफर का आता है। ये वैली के नजारे देखिए आप। लद्दाख का ये जो प्लेस है ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सबसे। तो गाइस यहाँ का व्यू देखिए। हम लोग हल्ले पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। तो स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं ले से हानले, जिसका डिस्टेंस है लगभग 230 किलोमीटर्स और ट्रेवल टाइम दिखा रहा है लगभग 7 घंटे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो अब ले सिटी को बाय बाय करते हैं और दोबारा ये सर्किट करके हम लोग वापस ले में ही आएंगे। एक्चुअली अपना सर्किट कुछ ऐसा है, पहले ले से हानले, हानले से उमलिंगला, फिर वापस हानले, फिर वहाँ से पेंगोंग होते हुए फिर ले। तो चलिए बाकी वीडियो पे बने रहिए। सो माउंटेन्स देखिए, पूरा स्नो कवर्ड है ऊपर से, मेरे हिसाब से वो खारदुंगला टॉप है। तो ये है लेह का मेन गोलंबर, लेफ्ट साइड मनाली और जो स्ट्रेट आ रहा है वहीं से हम लोग आए थे, मतलब जो कारगिल होते हुए आता है। सो ये आर्मी का कोई ग्रुप जा रहा लगता है राइट पे। सो आ गया है करूँ का लास्ट पेट्रोल पंप। अब इसके बाद लगभग 3 या 4 दिन तक हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा अपने रूट में। तो लगभग 1900 रुपये तक का तेल आया बाइक में और उस जेरिकन में मिला के। सो देखिए पेट्रोल का कैन का जुगाड़ हम लोगों ने यहाँ कर दिया है फिलहाल, क्योंकि पीछे हट नहीं रहा था, ये जेरिकन लीक हो रहा था, ये पतला वाला है ना उसलिए। अब देखते हैं कांटा टिकता है, फिलहाल तो हिल नहीं रहे, हमारा ऑफ रोडिंग में शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो अभी पहले उपसी जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वहीं से आता है कट हानले के लिए। सो तो देख लीजिए ये है रास्ता पेंगोंग जो सीधा जाता है, और अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा राइट। हम लोग वापस ही आते वक्त इसी रास्ता से उतरेंगे चांगला होते हुए। ये देख लीजिए लोमा न्योमा चुमाथांग हानले लेफ्ट, और जो राइट जाता है मनाली की तरफ। तो पहले यहाँ रुके ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलेंगे। यहाँ आ गया अपना पराठा, काफ़ी हैवी है, सब्जी भी दिया गया है, राजमा भी है, पराठा है, दही दे दिया तुमको और दही भी है, बाकी चाय अपना आ गया। चीयर्स। By the sounds I'm breathing in, hold tight, hold tight, chemicals collide, hold tight, hold tight, hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. स्टेप टूट गया शायद, वहाँ बम्प आया ना उसमें, ये ना ये बंजी पूरा टूट गया। देखिए ये बंजी के साथ ये राम फट फुटा। हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट। होटल से लगभग 120 किलोमीटर दूर आ चुके हम लोग, और अभी लगभग 12:30 बज चुके हैं। अब यहाँ से फिर से मैं राइड करूँगा, बाकी धीरे धीरे जा रहे हैं आराम से, फ़ोटोज़ वीडियोस लेते हुए, रील बनाते हुए। तो बाकी आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैं दोनों का इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ दे दूँगा। बाकी रास्ता वाकई काफ़ी सुंदर है बाकी रास्तों के मुकाबले, मीन्स ये थोड़ा अलग ही है, यहाँ का लैंडस्केप काफ़ी डिफरेंट है।
और अभी आगे जाने के बाद और ज़्यादा सुंदर होगा ये। वीडियो से हमें बाइकर्स दिख नहीं रहे थे हम लोग जब जंस्कार गए थे, क्योंकि वो रूट अभी काफ़ी कम लोग कर रहे हैं, बट ये रूट में तो बाइकर्स भर भर के हैं और सब लोग एक दूसरे को हाई फाई देते हुए जा रहे हैं। ये वैली के नज़ारे देखिए आप, काफ़ी वंडरफुल है। सुबह था, यहाँ काफ़ी सारा रेस्टोरेंट है, बट अभी टाइम हुआ नहीं है, अभी एक ही बजे, तो लंच के टाइम में कहीं जाके रुकते हैं आराम से, बाकी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं नज़ारों का आनंद लेते हुए। बाकी बहुत सारे बाइकर्स दिख रहे तो मज़ा आ रहा है, सबको वेव करते करते जा रहे हैं। तो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र का आता है, तो ये मेरे हिसाब से हानले के लिए ही है। अब मंजिल में जाके कितना मज़ा आएगा वो तो नहीं पता, बट अभी सफ़र पे काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक तो रोड जितने बढ़िया है, ऊपर से नज़ारे थोड़े थोड़ी देर में चेंज हो रहे हैं। वाह, तो बाकी दिन के मुकाबले आज वेदर थोड़ा ठंडा है, कि गोमर्धन से निकलने के बाद हमें ठंड तो लगा ही नहीं, सिर्फ गोमर्धन में ठंड लग रहा था, उसके बाद आज जाके थोड़ा ठंडा फील हो रहा है। बाकी पूरा खुला रास्ता और कुछ बाइकर्स आ रहे हैं, अभी लगता है आगे थोड़ा ऑफ रोडिंग का पैच है। कितना दूर खराब है रास्ता, ये रास्ता कितना दूर खराब है? आप कितना दूर है? वही तो जो ट्रक दिख रहा है ना, वही तक है बस। येलो वाला बोर्ड? नहीं नहीं, वो ट्रक है ना, हाँ। रेड वाला वहीं तक है बस, उसके बाद पूरा पूरा मकान है। उसके बाद और कहीं है हल्ले के बीच में और खराब है? पूरा ओके है ना? ठीक है ठीक है, थैंक यू। आप कहाँ से आए? हम लोग आसाम से। लगे ज्यादा नहीं है, मतलब वो खाली हैवी है, उसमें मतलब जो बैग है ना, देखिए पूरा खाली है, बैग जो है पूरा खाली है। लैपटॉप वगैरह है ना, थोड़ा वीडियोस वगैरह के लिए। पांच किलोमीटर ऑफ रोडिंग करने के बाद अब जाके पक्का रास्ता आ गया, लगता है ये भी अभी बनाई है। सो अभी थोड़ा थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गई है, ड्रिजलिंग हो रहा है, फटाफट कोई सेट ढूंढते हैं, गोपरा वगैरह अंदर रखते हैं। सो ये आ गया अपना लंच, भात सब्जी दाल और ऑमलेट। तो न्योमा यहाँ से 17 किलोमीटर है और लोमा 37, और अभी यहाँ काफ़ी सुंदर पैच मिला है हमें, तो अभी थोड़ा सा भगा रहे हैं बढ़िया से। बाकी थोड़ा देर पहले तो बारिश आ रहा था, तो उसके लिए हम रुक गए थे,
तो जहाँ रुके वहीं लंच कर लिया हम लोगों ने बढ़िया से। अब निकल चुके हैं फिर से हनले की ओर, और हनले यहाँ से लगभग और है 80 to 90 किलोमीटर्स। बाकी अभी धीरे धीरे धूप भी आ रहा है, अच्छा है, पहले काफ़ी ठंड लग रहा था, अभी धूप आ रहा है तो थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। गाइस यहाँ का व्यू देखिए, मतलब इसे वर्ड में मैं बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ रुके अभी हम लोग फोटो वीडियोस लेने के लिए। बाकी यहाँ का व्यू देखिए, एकदम अल्टीमेट, मतलब एकदम डिफरेंट है ये, बाकी हर जगह से डिफरेंट है ये। आप देखिए पूरा ग्रीन, फिर यहाँ से नदी बह रहा है और वो माउंटेंस, मतलब लाजवाब लग रहा है। तो यहाँ रुक के थोड़ा फोटोज़ वगैरह लेते हैं, फिर निकलेंगे धीरे धीरे। तो हालने से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 50 किलोमीटर ही है। तो आपको थोड़ा सिनेमेटिक्स दिखाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग बना दी है। सो अभी थोड़ा सेटलिंग करके आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, मतलब पूरा बैरन लैंड से, मगर फिर भी कितना सुंदर लग रहा है ये, मतलब डिफरेंट है ये लद्दाख का, ये जो प्लेस है ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सब से। आपको लेह मनाली वाला सीन भी हल्का फुल्का कारगिल वाला रास्ते में मिल जाएगा, बट ये व्यू आपको नहीं मिलेगा कहीं। पूरा खुला एरिया, इतना फोटोज वीडियोज लेते लेते जा रहे हैं ना हम लोग। अभी लगभग टाइम हो गए हैं 3:30 और हम लोगों ने अभी सिर्फ 190 किलोमीटर कवर किया है। परमिट चेक होगा और पहुंच चुके हम लोग लोमा चेक पोस्ट लोमा। तो किसी रेल की गुजरती है, मैं किसी पुल का सफर आता हूँ। तो अभी फिर से थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो चुकी है और हनले यहाँ से बस 34 किलोमीटर है। तो देखते हैं अगर धीरे धीरे हुआ तो फटाफट जाएंगे, वरना कहीं रुक जाएंगे। सो हनले अब ऐसे ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 30 किलोमीटर है। और जो चेक पोस्ट था जहाँ हम लोगों ने अपना LP दिखाया, वहाँ से ये सिंगल लेन ही है, वहाँ रास्ता अच्छा है, सिंगल लेन है फिर भी। सो पूरा बैरन लैंड्स के बीच में ये सीधा रोड, वाओ। तो पहले जो रास्ता था ये पूरा कच्चा रास्ता था और कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं था यहाँ पे, तो लोग इस पोल को फॉलो करते हुए जाते थे हनले। तो पूरा खुला एरिया के बीच पे सड़क है ना, तो बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट हो रहा है, मीन्स बाइक को पुश करने ही नहीं दे रहा है। देखिए आई लव हनले। तो जल्दी से कोई होम स्टे ढूंढ रहे और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। जस्ट हनले शहर आने से पहले थोड़ा सा ऑफ रोडिंग हो गया,
ये भी रोड बन रहा है बट ग्रेवल्स बिछा के रखा है पूरा, तो बाइक पूरा स्लिप हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं 20-30 के स्पीड में। और देखिए स्कॉर्पियो लोग गर्दा उड़ाते हुए गया। अब देखिए एग्जैक्टली हम लोग हानले पहुंच चुके हैं। ये देखिए यही है हानले शहर या गांव बोलिए। घुसते ही जस्ट हमें फिर से परमिट दिखाना पड़ा। तो बहुत ही मशक्कत के बाद ये पेट्रोल हानले तक पहुंच गया, सिर्फ इसकी बदौलत जैसे तैसे बांधा। ये तो यहाँ टेढ़ा करके रखने वाले थे बट वो लीक हो रहा था बार बार, तो हम लोगों ने यहाँ सीधा करके जैसे तैसे जुगाड़ किया इसको। तो अभी भी तो लीक हो रहा है बट कोई बात नहीं, पहुंच तो गया, यहाँ तक पहुंच गया एनाफ है। अब कल वापस उमलिंगला से आने के बाद इस पेट्रोल को इसमें डाल देंगे। तो आज रुकेंगे हम लोग इस होम स्टे में, री योक होम स्टे, यहाँ फ़ोन नंबर भी है। तो बहुत ढूंढने के बाद हमें ये होम स्टे मिला है, काफ़ी सुंदर होम स्टे है। और यहाँ खड़े अपनी बाइक, तो चलिए आपको अंदर चल के रूम दिखाते हैं। तो ये है अपना आज का स्टे, लगेज वगैरह सब खोल दिया हमने। और ये रूम पर हमें पर है 900, जिसमें कि लंच इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर है। लंच का हमें पे करना होगा अलग से। ये देखिए भैया लोग मिले, अभी यहाँ हंसी मजाक हो रहा है बढ़िया से रूम में। भैया आप यूपी से ना? भाई यूपी, यूपी से। हम भी यूपी से। भैया जी दिल्ली से। आपका नाम? हिमांशु। हिमांशु आपका नाम? भैया अंबुज। अंबुज बढ़िया है, मेरे जैसा भैया है भाई, हम सबसे छोटा है। आपका नाम? आशीष। तो अब ये भैया लोग मिल गए, अब सब लोग के साथ राइड होगा और यहाँ होगा अभी तबाही। भाई भी उमलिंगला करेगा हमारे साथ, अब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अब तेरे को करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देख लीजिए गाइस, ये आ गया अपना डिनर। दिखा दो, दिखाने दो। ये आ गया अपना रोटी, ये राजमा, और ये मिक्स वेज वहां से आया, ये उनके किचन से आया। देखिए